with the plot structure of the no exit, and we have to discuss about, you can say, the plot of the novel, one act play, which was written by the famous, you can say, Sartre. So आज हम लोग देखेंगे कि प्लॉट का जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्ले का जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और किस तरह से ये जो है वो यू कैन से ड्रामेटाइज। जी प्लॉट स्ट्रक्चर नो एग्जिट इज अ शॉर्ट वन एक्ट प्ले विद एनी डिवीजन इनटू सीन्स। द सक्सेस ऑफ प्ले इज लार्जली ड्यू टू सार्टर्स एक्सट्रीमली केयरफुल ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन which follows the classical pattern of development. Cheap. So, the early part of the play is largely introductory. यहाँ पर जो play है, you can say उसको you can say division किया गया है scenes में, और ये Sartre का जो careful dramatical dramatic construction है, और ये classical pattern of development को अपन follow करता है. लार्जली इंट्रोडक्टरी है, जहां पर कैरेक्टर जो है वो हमारे सामने पेश किए जाते हैं, कार्सन, इनीज एंड स्टेले आर ब्रॉट इनटू हेल वन बाय वन, लेड बाय वैलेज। एट फर्स्ट सार्टर गिव्स द इंप्रेशन दैट द थ्री ऑफ देम आर विजिटर्स टू आवर होटल, कि वो तीनों जो हैं वो विजिटर्स हैं होटल में। इट सून हैवर बिकम्स ऑब्वियस दैट द प्रोटैगोनिस्ट आर इन अ स्पेशल काइंड ऑफ हेल, जो प्रोटैगोनिस्ट है वो एक खास किस्म की मतलब जो है वो हेल में मौजूद है, खास तौर पर यू कैन से। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हेल है वो मोर और लेस जो है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है। सो हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि हेल वेयर दे विल टॉर्चर वन अनदर, और असल में हमने ये देखा कि वो टॉर्चर जो था वो हेल में कोई उनको फिजिकल टॉर्चर नहीं दिया जाता, बल्कि जो बाकी दो लोग हैं दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द टॉर्चर फॉर यू कैन से वन अनदर। जी रेजिंग एक्शन ऑफ द प्ले बिगिंस एज गार्शन एंड ईज एंड स्टेले स्टार्ट टू टॉर्चर वन अनदर बोथ इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली। गार्शन इज टॉर्चर्ड बाय द मेयर प्रेजेंस ऑफ द टू वुमेन, but he would like to be left alone to think and put things in order. Inez, a lesbian, is tortured by Stella. As Garson, Inez, and Stella torment one another, both intentionally and unintentionally. Garson is tortured by mere presence of the two women. The Garson जो है, वो बाकी दो लोगों की मौजूदगी में जो है, वो torture होता है. So Garson is he can say tortured by mere presence of the two women, but he would like to be left alone to think and put things in order. And he's a lesbian who tortured by Estelle, kyunki jo Estelle hai wo heterosexual hai, aur jo Inez hai wo homosexual hai, whom she passionately desired. Estelle however is repulsed by Inez and directs all of her attention to Garson, whom she wants as a lover. वो चाहती है कि वो as a lover उसके साथ है. And he grows jealous of Garson, who keeps Stella from her. At the same time, Garson becomes interested in Inez, for he desperately needs her to believe that he is not really a coward. कि वो मतलब जो है वो बुजदिल नहीं है और वो उसकी आंखों में जिंदा रहना चाहता है. ठीक हमने देखा. As they discuss their past, यूं ही वो अपना you can say जो है वो पास्ट के हवाले से डिस्कस करते हैं। स्टेलियन गार्सन बिगिन बाय टेलिंग लाइज, कि झूठ बोलते हैं। सिर्फ अनीज है जो सच बोलती है, और वो कहती है कि उसने एक डैम्ड लाइफ अर्थ पर जी, दैट्स व्हाई उसको हेल मिली। वो ये कहती है कि हाउ शी वाज अ लेस्बियन टू सक द लाइफ आउट ऑफ हर फीमेल लवर्स, कंट्रोलिंग देम बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। इन कंट्रास्ट स्टेलियन गार्सन ट्राई टू कन्विंस ईच अदर दैट दे वर ब्रेव, कि वो बहादुर थे, राइटियस थे during their lives on earth, or Stella even tries to convince herself that she was sent to hell by mistake. Ji matlab ek tarah se wo jhoot tha. So it's only true he can say prodding that Inez begins out their stories. Garson is not brave, wo bahadur nahi hai, coward hai, or who deserted the battle when it became dangerous. When he's caught trying to escape into Mexico,
is shot 12 times. 12 martba usko goli mari gayi. Her style is also forced to tell truth about herself. She married a man 3 times her age in order to use his money to buy the things she wanted in life. और उसका एक यंग लवर भी था और उसने इससे एक बच्ची को जन्म दिया. अपनी बच्ची को उसने लेक में फेंक के मतलब जो वो कत्ल कर दिया. तो जो ही करेक्टर जो है वो रिवील करते हैं अपनी ट्रू नेचर और टॉर्चर को. द राइजिंग एक्शन बिल्ड्स इट्स क्लाइमेक्स. टोटली फ्रस्ट्रेटेड गार्सन गोज टू द डोर एंड बैंग्स ऑन इट वाइल्डली. जोर जोर से बजाता है. टू एवरीवनस अमेजमेंट द डोर ओपन्स बट गार्सन डजंट डिपार्ट. ही कैन नॉट लीव विद एनी ईज़ thinking he is a coward. कि वो जा नहीं सकता. यानी कि what people will say का जो concept है वो यहाँ पे बहुत ताकतवर है. When Estelle tries to you can say show Phineas out the door, Garson prevents it. Therefore he saves his torture. When he refuses to tell him he is not a coward, Garson utters the climactic words of the play. Hell is the other people. Hell जो है वो बाकी लोग हैं. The falling is action is very brief. Estelle picks up a knife and stabs Anise, hoping to rid herself of her tormentor once and for all. Of course, a dead person cannot be killed again. And when Anise reminds her of this, all three of them fall into a hilarious laughter. They slump onto the sofas, and Garson utters the brief conclusion to the play, "We might as well get on with it." हमें अब ऐसे ही जाना होगा. His final words capture the nothingness of existentialist belief. The rest of the characters are seen in flashbacks as Anise, Estelle, and Garson gazes down on Earth. Additionally, the entire drama takes place in single room in Hell over a period of few days. It puts them, मतलब जो है वो वहाँ पे गुजारते हैं. Even though there are flashbacks to the past, the action is never confusing. The play ends in great tragedy. Anise, Estelle, and Garson are totally defeated by their inner beings. On earth they lived a damned existence and in hell they are condemned to an eternity of torturing one another. ke wo ek dusre ko kya kar rahe hain continuously, they are torturing. Even when the door in hell you can say swings open, there is no exit for these three tragic beings. ke wo wahan se bahar nahi nikal sakte. Next hum log character analysis karenge aur different characters ka analysis dekhenge. ये तीनों करेक्टर्स जो है वो हेल के अंदर जो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं. तीनों करेक्टर्स का जो किरदार था वो क्या था. सबसे पहले हम सबसे अपने अहम और मेन करेक्टर की बात करेंगे. हु इज गार्सन जी. जी गार्सन वन ऑफ द थ्री प्रोटैगनिस्ट in the play. Garson, one of the three protagonists in the play, is the first to arrive in hell. He is surprised to find that he is led into a second empire drawing room of ordinary appearance. There are no instruments of torture. Ordinary appearance. There are no instruments of torture, fire or brimstone as the typical portrayal of hell. Jee. During the course of the play, it is learned that Garson lived in Rio de Janeiro, Brazil, where he worked for a newspaper. He was married to a weak, wild wife whom he treated cruelly. Night after night, he would go out on her to entertain himself with wine and women. One night, he even bought a girl. तो ये तो झूठ बोलता है ना फिर आग के ऊपर हेल में, जिसमें बड़ी मर्दानावार और बड़ी शानदार किस्म की जो है वो जिंदगी गुजारी है. As such, the story was not true. इसने मतलब एक मकारी और अयारी वाली जो थी वो इसने अपनी लाइफ गुजारी थी. तो ये मोर और लेस जो है वो जो अपने हवाले से स्टेटमेंट देता है, दैट्स यू कैन से डस नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रुथ. जी जी वन नाइट
even brought a girl home to sleep with him, with his you can say with his wife asleep upstairs. He tries to justify his cruel treatment of his wife by saying she brought it on herself. कि वो खुद से उसने वो मतलब जो है वो अपनी मर्जी के ऊपर ये तारी किया है. Garson is soon joined in hell by two women, Elise and Sally. Since he prefers the company and approval of men, it's ironic that he must spend eternity with two females. कि वो मर्दों के साथ अपनी जिंदगी गुजारता रहा. लेकिन आखिरी अपना स्टोरी ये थी कि आप उसको अपनी यहाँ पर जो लाइफ हेयर आफ्टर थी, जो हेल में जिंदगी गुजारनी थी, वो फीमेल के साथ थी. तो ये भी एक तरह से सिम्बॉलिक है कि जब मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे वो उनको घरों के अंदर बंद कर दिया गया और उनको अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी जो है वो गुजारनी पड़ी. तो ये एक तरह से टॉन्ट है जी. He does, however, try to impress them with the fact that he was brave and noble on earth. In truth, he was a coward. During the war, he deserted the battle and tried to cross the border into Mexico. When he was spotted by the authorities, he was shot 12 times. From hell, Garson is able to look down on earth. He sees his wife dressed in black and grieving for him. He's not greatly affected by the union. He also looks into the newsroom where he sees a scene that crushes him. He is ashamed to hear Gomes and the other calling him a coward. कि वो बुजदल था और बुजदली में जो है वो भाग खड़ा हुआ तो वो उसको बुजदल कहते हैं जी जी. He tries to convince himself that he had only जी जी To convince himself that he had brave in him, he is not a coward. हाँ. But she refuses to do so. ठीक. She reminds Garson that a person is judged by his actions. हाँ, कि Garson that a person. Garson is the protagonist. He also desperately seeks for Inez to tell him he is not a coward. She refuses to do so. वो ऐसा नहीं कहती कि वो coward नहीं है, बल्कि वो कहती है कि you can say बंदा जो है वो अपने actions से ही judge किया जाता है. Garson is the protagonist who realizes that hell is other people. From the moment of the arrival, he is tortured by the presence of Elise and Stella. He really just wants to be left alone, but that opportunity is not given to him. The opportunity jo usko nahi di jati. Stella, who lusts for his body, is constantly trying to attract his attention. Wo musalsal uski tawajjuh jo chahti hai. And when he finally gives in to her and thinks about making love, he cannot because Elise is there watching his every move. So in frustration, he pounds on the door to get out of the room. He wo darwaza bajata hai zor zor se, darwaza khulta hai lekin Garson bahar nahi ja pata. Wo nahi jana chahta kyunki Anees ki nazron mein wo ek coward hai. Hatta ke Stella usko jo hai wo coward maan leti hai ki wo coward nahi hai, lekin kyunki Stella ki koi opinion nahi work karti kyunki wo uske sath matlab jo hai wo physical relation banana chahti hai. So that's why Stella jo hai wo to samajh aati hai lekin Anees ek independent opinion ke sath hai. So he must stay and try to change her mind, which she will never do. But in the end, Garson accepts that his tortured fate is to exist forever with the Stella and Anees. But as the play closes, he calmly calls, "Well, we'll let's go on with it." Three. Anees is the most honest and realistic of the three protagonists. She is also the first to accept that she has been placed in the room with Stella and Garson for a reason, for nothing happens by chance. In truth, she is a lesbian who loves him. दोनों के साथ उसको भेजा गया है और यहाँ पर एक औरत है जो हेट्रोसेक्सुअल है और एक मर्द है वो भी हेट्रोसेक्सुअल है, जबकि इनमें जो अनीज है वो लेस्बियन होमोसेक्सुअल है, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो हमें यहाँ पे होते दिखाई देते हैं जी. In truth, she is a lesbian who longs to have Stella for herself. Stella, however, desires Garson and shuns Anees, creating a constant torture for her. Haan. She becomes insanely jealous of Garson and frustrated over her desire for Stella. Unable to control Stella, she is really at her mercy. At her mercy. वो चाहती है कि वो उसके साथ homosexual हो जाए Stella जो है. लेकिन हम ये देखते हैं कि जो है वो homosexual नहीं होती उसके साथ. और ये चीज उसका टॉर्चर है. She becomes insanely jealous of Garson and frustrated over her desire for Stella. Stella जब उसके साथ मिलती है और वो Garson उसकी तरफ जब मायल होता है तो वो मतलब जो है वो जेलस हो जाती है Garson से, और
स्टेले पर वो गुस्सा करती है. तो अर्ली इन द प्ले एनीस अपोस्टल क्लर्क ऑन अर्थ एडमिट्स दैट शी लिव्ड अ सिंपल लाइफ टेकिंग अ डायबॉलिकल प्लेयर इन द पेन शी इंफ्लिक्टेड ऑन अदर्स विदाउट रिमोर्स शी सक्ड द लाइफ आउट ऑफ ईच हर फीमेल लवर्स कंट्रोलिंग देयर माइंड्स एंड बॉडीज. तो वो मुसलसल उनको कंट्रोल करती रही उनके जिस्म को उनके माइंड्स को. और उसके विक्टिम जो थे वो फ्लोरेंस थे होम शी एक्सपेक्टेड टू सी इन हेल जिसे लगता था कि शायद वो हेल में हो. और एनीस टेल्स गार्सन एंड स्टेले दैट शी वाज डैम्ड ऑन अर्थ कि उसको मतलब जो अर्थ पर डैम किया गया. सो शी इज नॉट सरप्राइज्ड टू बी डैम्ड टू हेल. और वो यू कैन से इस बात के ऊपर सरप्राइज नहीं है कि वो मतलब जो है वो डैम की गई क्योंकि उसके तमाम हरकतें जो थी वो बिल्कुल ऐसी. Because of her honesty, Ines is quickly able to see through the lies of Estelle and Garson. ये जारी सी बात है, hell में वही बंदा आएगा जिसने गुनाह किया होगा. जिसने गुनाह नहीं किया होगा वो जहन्नम में क्यों जाएगा. तो ये एक more or less एक बात बड़ी clear है. और she knows that the two of them cannot be as noble and righteous as they claim to be. They would not be, you can say. और अगर ऐसा होता तो वो hell में damn ना होते. By pushing and prodding, Ines finally manipulates the other two inhabitants of a room to tell their फ्रीडम टू बिकम हु और व्हाट दे वांट इन लाइफ बट शी रिमाइंड्स इटालियन गार्शियन दैट इन डेथ It is too late for they are no longer free to change their images or shape their future. In hell, they are stuck in the nothingness of existence. बिल्कुल ठीक हो गया. Next. Anise admits that she is not a complex person, nor that desire to be. हाँ, now वो ऐसी हाई शक्ति है कि वो एक complex person के तौर पर जो है. When Garson tells. नजर आए. जी. जी. When Garson tells her she should think about her existence and put herself in order, she immediately retorts, "My life was in perfect order. I died itself nicely of its own accord. जी. So I need not bother about it now." She also calmly claims her own death. हाँ, यानी कि वो यहाँ पर frustrated with the death of her husband. Should think about her existence and put herself in order. She, you can say, immediately retorts. My life was in perfect order. It tidied itself nicely up its own accord. So I need not bother about it now. कि मैंने जैसी जिंदगी गुजारी बस ठीक है. She also calmly explains her own death, frustrated with the death of her husband and Annie's control over her. Florence turns on gas while they sleep. Both of them perish. With similar calmness on outside, Annie's accepts the fact that Estelle. rejects her and spits on her face. वो उसके चेहरे पे थूकती है. When Estelle tries to push Anise out the open door, जब उसको open door में से मतलब जो है वो फेंकती है, तो so that he she can leave alone with you can say Garson. Garson amazingly saves her. His whole purpose in staying hell is to convince Anise that he is really not a coward. Anise, however, will never believe that he is anything else. She will continue to be his hell. कि वो गार्सन की hell होगी. Just Estelle is hard. तो इस तरह से ये दोनों जो characters हैं, मतलब जो है वो Estelle और गार्सन, ये you can say behave just like you can say the more or less the torture for other. और इसी तरह से Estelle जो है, वो torture बनती है गार्सन का. Sorry, इसका अनीस का. और इसी तरह के साथ जिस तरह से अनीस टॉर्चर है इसका गार्सन का, और गार्सन जो है वो अनीस के लिए जो है वो किसी हद तक टॉर्चर बनता है व्हेन ही अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स यू कैन से अस्टेले. तो इस तरह से ये एक हम लोग जो है वो सिचुएशन यहाँ पर होती हुई देखते हैं कि किस तरह से ये करेक्टर जो है वो एक दूसरे को हेल के अंदर जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश